नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज फिर मैं आपके सामने हिंदी विषय का एक पाठ लेकर आई हूँ, जो है कक्षा 8 का और पाठ का नाम है सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम। तो सबसे पहले हम उसमें जो शब्दार्थ है वो देख लेते हैं। जीवन माने कि जीवित, वैश्विक माने विश्व संबंधी, बृहद बड़ा, दस्तकार माने शिल्पकार, उत्कृष्ट यानी उत्तम, निष्ठा यानी श्रद्धा और प्रचुर यानी पर्याप्त। अब विद्यार्थी मित्रों, यह जो नाम है सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम, तो आप सब डॉक्टर अब्दुल कलाम से वाकिफ है कि वह हमारे भारत देश के एक महान वैज्ञानिक थे। वह एक सरल प्रकृति के व्यक्ति थे और उनको छोटे छोटे बच्चों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। जब वह राष्ट्रपति थे, उन दिनों की बात है कि एक दिन वह एक स्कूल में मुलाकात के लिए जाते हैं और वहाँ के विद्यार्थी, वहाँ के सब छात्रों को अपने अपने मन में जो जो सवाल उठते वो सब विद्यार्थी सवाल डॉक्टर कलाम को पूछते हैं और उसी सब सवाल पर आधारित आज अपना यह पाठ है, जिसका सार मैं आपको अब बताऊंगी। तो एक छात्र डॉक्टर कलाम को पूछता है कि आप अपने बचपन की कोई भी एक यादगार घटना हमें सुनाएं। तो सबसे पहले हम उसके बचपन की घटना का एक वर्णन करते हैं कि जब डॉक्टर कलाम छोटे थे और कक्षा 5 में पढ़ते थे, तब उनके एक टीचर थे, उनके एक शिक्षक थे, जो पक्षी कैसे उड़ सकते हैं वह क्रिया को प्रैक्टिकल जीवंत तरीके से विद्यार्थी को बताने के लिए वह शिक्षक सुब्रमण्यम अय्यर नाम था। वह शिक्षक सब छात्रों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर जीवंत उदाहरण द्वारा उन्हें शिक्षा देते हैं, जीवंत उदाहरण द्वारा उन्हें समझाते हैं कि पक्षी आकाश में कैसे उड़ सकते हैं। यह शिक्षा से, यह जीवंत उदाहरण द्वारा डॉक्टर कलाम को इतना वह उदाहरण भाया, इतना वह पसंद आया कि वहीं से डॉक्टर कलाम को आगे वैज्ञानिक बनने की, विज्ञान में आगे ही बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। फिर डॉक्टर कलाम यह मानते हैं कि भाषा के लिए क्या हमें सोचना चाहिए। एक विद्यार्थी, एक छात्र है, उसे यह प्रश्न करते हैं कि भाषा में आपके विचार क्या है। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मेरा मानना यह है कि सब व्यक्ति को, सब छात्रों को अपनी अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका कारण बताते हुए वह कहते हैं कि हम सब जो सोचते हैं, हम सब जो अनुभव करते हैं, हम सब जो अपने अलग अलग भाव है उसे प्रकट करते हैं, हम जो सोचते हैं, जब हम सोने जाते हैं, जो हम सपने देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा वह सब क्रिया हम अपनी मातृभाषा में ज्यादातर अच्छे कर सकते हैं। इसीलिए वह कहते हैं कि ज्यादातर हमें अपनी मातृभाषा द्वारा ही शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि मातृभाषा के जरिए हम अपनी कोई भी बात आसान तरीके से बता सकते हैं। लेकिन एक बात यह भी है कि वैश्विक स्तर पर आगे विकास के ओर बढ़ने के लिए हमें अंग्रेजी जैसी वैश्विक भाषा का भी ज्ञान होना जरूरी है। फिर वह बताते हैं कि जीवन में सफल कैसे हो सकते हैं। हर एक व्यक्ति को, हर एक विद्यार्थी को, हर एक मानवी को अपने अपने जीवन में सफल होने की इच्छा होती है, लेकिन सबको सफल होना है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सफलता कैसे प्राप्त हो इसका पर्याप्त उन्हें ज्ञान नहीं होता।
कि सफलता पाने के सबसे पहले तो हमें अपने जीवन का एक लक्ष्य, एक ध्येय निश्चित कर लेना चाहिए कि हमें जीवन में आगे बढ़कर क्या बनना है। एक बार आपके जीवन का लक्ष्य निश्चित हो जाए तो उस लक्ष्य को हमें कैसे पाना है, उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें दिन रात एक करके जी लगा के खूब सारी मेहनत, कठोर परिश्रम करना चाहिए। हाँ, कठोर परिश्रम करते करते भी ऐसा तो नहीं है कि लक्ष्य हमें परिश्रम करने के बाद तुरंत मिल जाता है। कोई भी काम है उनमें बाधाएं तो आती ही रहती है, लेकिन उन सब कठिनाई को, उन सब बाधाओं को भी हमें पार करके हमेशा अपने लक्ष्य की ओर आगे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी तरह से हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। फिर एक छात्र डॉक्टर कलाम को पूछता है कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस समय आपको क्या लगती है। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि साल 2020 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, यह सबसे बड़ी चुनौती है। और दूसरी चुनौती यह है कि भारत के सब प्रजा, भारत के सब नागरिकों को कैसे हम खुश रख सकते हैं। तो यह दो चुनौतियां है, उन चुनौतियों को हम कैसे पार कर सकते हैं। तो वह बताते हैं कि यह चुनौती हमें पार करने के लिए भारत के जो युवा शक्ति है उसके द्वारा और भारत में जो संसाधन है उन दोनों के द्वारा हम यह चुनौती आसान कर सकते हैं। फिर दो समस्याओं के बारे में वह बताते हैं कि भारत में किस किन समस्या हम यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहली तो समस्या है कि भारत में बढ़ती जनसंख्या, भारत में दिन ब दिन जो जनसंख्या है, जो बस्ती है, वो बढ़ती जा रही है। तो इनका निवारण वह यह बताते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भारत देश में स्त्री है वो साक्षर बने, स्त्री साक्षरता का दर है वह बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ छोटा परिवार सुखी परिवार, यह जो सूत्र है, यह सूत्र गांव शहर भारत के सब प्रजा को यह सूत्र अपनाना चाहिए। इस तरह से हम जनसंख्या को काबू में ला सकते हैं। और दूसरा जो प्रश्न है, दूसरी जो मुश्किल है, वह है बेरोजगारी निवारण। भारत में इतनी सारी जनसंख्या है तो ऐसा तो नहीं है कि सबके सबके पास रोजगार है, तो वह बेरोजगारी है उसका निवारण हम कैसे ले सकते हैं। तो इसी प्रकार की स्त्री है वो साक्षर बने, साक्षर बनकर आगे वो भी पुरुषों की समान कुछ कमा सके, तो इस तरह। और गांव में भी, शहर में तो लोग सब कमाने जाते हैं, लेकिन गांव में जो लोग पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है उनके लिए उनके समान कुछ छोटे छोटे लघु उद्योगों को हम स्थापित कर सके, तो इस प्रकार हम बेरोजगारी का जो प्रश्न है उसे हम हल कर सकते हैं। फिर वह जब अब्दुल कलाम वह स्कूल में जाते हैं और मंच पर जाते हैं तो देखते हैं कि मंच पर एक कलाम के बैठने के लिए खूब अलग प्रकार की कुर्सी थी वहां। तो जब डॉक्टर कलाम वह देखते हैं तो उन्हें यह बात पसंद नहीं आती और सबसे पहले वह यह कुर्सी हटवाने का आदेश करते हैं और बच्चों के साथ ही बैठकर सामान्य आदमी की तरह ही वह सबके साथ बात करते हैं। इसी उदाहरण से अब्दुल कलाम सब नेताओं को यह सीख देना चाहते हैं कि जहां पर जिस वस्तु की जरूरत हो जैसे उसी वस्तु का हमें उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप नेता हो तो आप अपने ऊपर ज्यादा से ज्यादा रुपया खर्च करके
इसी प्रकार से जो बिन अनावश्यक खर्च है वह हमें करना चाहिए नहीं, बल्कि सब नेताओं को कठोर परिश्रम करना चाहिए। सब नेताओं को अपने जो वह राजकीय काम करते हैं, भारत की जो सेवा करते हैं, वह अपने काम में पारदर्शिता लानी चाहिए। इससे क्या होगा कि इससे सब नागरिक है, आम जो जनता है, उसका अपने नेताओं पर विश्वास और बढ़ जाए। और अंत में वह कहते हैं कि सेना में आज हम देखते हैं कि पुरुषों तो होते हैं, लेकिन साथ साथ पुरुष सैनिकों के बराबर आज हम देखते हैं कि महिलाओं को भी सैन्य में आगे बढ़ने का मौका मिला है। तो यह जो मौका मिला है महिलाओं को, स्त्रियों को पुरुषों के समान आगे बढ़ने का, इससे भी हम भारत का विकास और आगे की तरफ सोच सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ मैंने यह पाठ का सार आपको बताया है। अब आप अपने अपने किताबों में से जो उसके स्वाध्याय के अन्य प्रश्न है उनका महावरा कीजिएगा। आभार।